हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो यार सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। परेशानी हो गई थी, मेरा पीसी ख़राब हो गया था तो इसी वजह से मैं थोड़ा अपलोड नहीं कर पाया वीडियो वगैरह, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। और इस चीज़ की भरपाई के लिए मैं आज एक कमाल का प्रीसेट लेके आया हूँ। आज हम करेंगे डार्क ऑरेंज प्रीसेट। तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कैसे होता है ये डार्क ऑरेंज प्रीसेट। अगर भाई तुम पहली बार इस चैनल पे आए हो तो फिर मैं बता दूं कि मैं फोटो एडिटिंग के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं, तो मेक श्योर कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी बजा देना ताकि तुम हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सको। भाई अब सबसे पहले तो लाइट रूम खोल लो, फिर करते हैं लाइट एडजस्ट। पहले एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाएंगे 0.30, इतना ही। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे 70 तक, ठीक है। हाईलाइट को घटाएंगे, हाँ ये ठीक है, -40 तक ना ठीक होगा। शेडोज को बढ़ा देंगे थोड़ा, हाँ 25 ठीक है। वाइट को थोड़ा, हाँ ये ठीक है, -70 में ले चलो। फिर आते हैं ब्लैक्स, थोड़ा बढ़ा दो, ये काफ़ी है। फिर चलते हैं कर्व्स में, यहाँ पे तुम सिर्फ मुझे फॉलो करना, कुछ भी इधर उधर मत छेड़ना। मैं बार बार हमेशा ये वीडियो में बोलता रहता हूँ, अगर ये इधर उधर हो गया तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। तुम सिर्फ देखो और फॉलो करो। डन। फिर चलते हैं कलर्स में, यहाँ पे वाइब्रेंस थोड़ा बढ़ाएंगे 30 तक, ठीक है। सैचुरेशन 15 तक बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर चलते हैं कलर मिक्स में, पहले रेड कलर, सैचुरेशन थोड़ा घटाएंगे, हाँ ये ठीक है। लूमिनस भी थोड़ा घटा देंगे, हाँ ये ठीक है। फिर चलते हैं ऑरेंज में, ऑरेंज में यहाँ पे ह्यू थोड़ा घटाएंगे -10, सैचुरेशन हाँ ये ठीक है, -30 तक ले चलो। लूमिनेंस थोड़ा बढ़ाएंगे 10 में। और फिर येलो ह्यू एकदम घटा दो, सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ाएंगे, हाँ ये ठीक है। लूमिनेंस थोड़ा बढ़ाएंगे इतना तक, ठीक है 30 तक के आसपास। फिर आते हैं ग्रीन में, ग्रीन में सैचुरेशन एकदम घटा दो, और ग्रीन के बाद जितने भी कलर हैं सबका सैचुरेशन एकदम 0 कर दो, सिर्फ सैचुरेशन ही घटानी है बस। फिर डन। फिर चलते हैं इफेक्ट में, यहाँ पे टेक्सचर थोड़ा ऐड करेंगे, हाँ ये ठीक है 15 तक। क्लैरिटी थोड़ा ऐड करेंगे 40 तक, ठीक है। डीएस थोड़ा करेंगे 35, हाँ ये ठीक है। विग्नेट थोड़ा ऐड कर देंगे -30 में, और फेदर थोड़ा ऐड करेंगे, इतना काफ़ी है। फिर चलते हैं स्प्लिट टोन में, यहाँ पे भी तुम सिर्फ मुझे फॉलो करना, यहाँ पे नंबर वगैरह आएंगे, तुम्हें आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, देख लो थोड़ा। ह्यू 120 के आसपास कहीं पे, और सैचुरेशन को 10 करो, और बैलेंस माइनस में करना 50। और फिर डन। फिर आते हैं यहाँ पे नॉइज रिडक्शन थोड़ा देंगे 20 तक, ठीक है। कलर नॉइज रिडक्शन 30 तक दे दो। अभी ठीक है, अभी हो गया हमारा, ये देखो ऐसा बन गया, पहले ऐसा था अभी ऐसा बन गया, काफ़ी कूल दिख रहा है। अभी सेटिंग सारा कॉपी करते हैं, फिर देखते हैं दूसरे फोटो में कैसा लग रहा है। ये हो गए हमारी सेटिंग कॉपी, इस फोटो में देखते हैं कैसा लग रहा है।
यहाँ पे पेस्ट। अच्छा लग रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं आया लेकिन अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। दूसरी फोटो देखते हैं, ओ भाई ये गजब लग रहा है। इसमें देखते हैं, बहुत बढ़िया, ये भाई बहुत अच्छी पिक है। इसमें देखते हैं कैसा लग रहा है। ओ भाई कार एकदम निखर के आ रही है, ये देखो बिफोर ये रहा आफ्टर। भाई कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा या फिर ये प्रीसेट कैसा लगा, और अपने अलग अलग फ़ोटो पे अप्लाई करो और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना। और हाँ, इंस्टाग्राम से याद आया, मेरा पिछला वाला अकाउंट कुछ रीजन की वजह से डिलीट कर दिया मैंने, मुझे नए वाले अकाउंट में फॉलो करो। और तुम जो भी फ़ोटो वगैरह एडिट करते हो मेरी वीडियो देख के, प्लीज़ मुझे वहाँ पर टैग करो ताकि मैं भी देख सकूँ कि मेरा वीडियो के मदद से इसका फ़ोटो अच्छा हो रहा है। प्लीज़ गाइज मुझे वहाँ पे टैग करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में।